यहाँ पे देखिए हमें एक अपोर्ड की ट्रेड मिल रही है, बहुत ही सिंपल सा। इसके पीछे का मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट का जो गैप है, गैप हमारा एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। सो इस गैप के बेस पे यहाँ पे ये कैंडल अभी देखो, वहाँ पे अगर इस गैप के ऊपर क्लोज कर जाती है तो हम अगली कैंडल एक ग्रीन के लिए ले सकते हैं। बट अगर गैप के अंदर क्लोज नहीं करती है और पिछली जो आप एक हैमर देख रहे हो एकदम रेड वाली हैमर, अगर उस हैमर के नीचे भी क्लोज होती है तो भी हम एक अपोर्ड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बिकॉज वो हैमर का जो वीक है वो भी एक सपोर्ट है और जो गैप का लेवल है वो भी एक सपोर्ट है। और जैसा मैंने बोला कि गैप के लेवल से यहाँ पे इनको रिजेक्शन मिलेगी, वो देख सकते हो गैप के लेवल पे आके इन्होंने क्लोजिंग कर दिया है। और यहाँ से हम एक अपोर्ड की ट्रेड एकदम इजी प्लेस कर सकते हैं। बस थोड़ी सी तकलीफ ये हो सकती है कि यहाँ पे एक मोमेंटम है, फिर भी यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ पे हमने $2 के साथ इसको रिवर्स कर दिया। ठीक, अब ये हमारी कैंडल ग्रीन बन जानी चाहिए। अगर नहीं बनती है तो देखना ये MTG पे चली जाएगी, बट हम MTG नहीं लेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं ट्राई करूंगा MTG ना लेने की, बट ये देखना हमारी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। फिर अगर लॉस करना होगा तो एक छोटी रेड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं अपने इस कैंडल को ग्रीन बनने का। बट ऐसे मोमेंट में आपको हमेशा सेफ्टी मार्जिन ज्यादा यूज करना चाहिए। और एक रीजन और मैं बता दूं, मार्केट ने पिछला अपना एक सपोर्ट जो है उसको ब्रेक किया है, प्लस मार्केट में एक अपना एक गैप छोड़ के आई है, तो वो गैप को भी यहाँ पे मार्केट फिल करने के लिए एक ग्रीन कैंडल क्रिएट कर सकती है। ठीक, अभी भी यहाँ पे 27 सेकंड बाकी है, तो हम इसका वेट कर लेते हैं इसके रिजल्ट आने का कि ये विन हो पाती है कि लॉस होती है। उसके बाद हम अपने अगले ट्रेड की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो सेकंड ट्रेड है वो हमने एकदम मार्केट के एकदम लो पॉइंट पे यहाँ पे हमने अपना प्रेस किया है, और जो कि हमारी एक इजी विन ट्रेड हो जानी चाहिए। बट अगर ये भी हमारी लॉस हो जाती है तो हम इस चार्ट को एकदम इजी चेंज कर देंगे। बिकॉज भाई जिस चार्ट में आपका एक दो ट्रेड लॉस हो जाता है आप उसको स्किप कर दो तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिलहाल के लिए दिसंबर मंथ में बहुत ही गंदा मार्केट चल रहा है, हमेशा मतलब मोमेंटम ही चल रहा है, कहीं ग्रीन का मोमेंटम कहीं रेड का मोमेंटम, तो हमारे लिए तो बेकार ही होगा। बिकॉज हम प्राइस एक्शन पे बेस पे ट्रेड करते हैं, जो लोग वैसे नॉर्मल ट्रेड करते हैं भाई उनके लिए तो बहुत अच्छा मार्केट होगा दिसंबर का। और जैसा मैंने आपको बोला था हमारा पिछला ट्रेड ग्रीन बनना था, बट वो ना बनके अगली ट्रेड यहाँ पे MTG पे चली गई, बट फिर भी हमने अपना MTG अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया था। बिकॉज हम MTG नहीं लेने वाले, हम जितना हमारा अमाउंट है अमाउंट हम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेंगे। तो देख सकते हो ये हमारी एक श्योर ट्रेड थी, जो कि हमारी पिछले ट्रेड ही विन होनी थी, बट OTC यहाँ पे प्ले कर गया, 100% OTC प्ले किया यहाँ पे। ठीक, अब चलते अपने दूसरे चार्ट की ओर, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया। अब जो करंट कैंडल देख रहे हो ये हमारी एक रेड कैंडल बन सकती है। ठीक, तो फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सेफ्टी मार्जिन चाहिए अगर ये थोड़ी ऊपर जाती है। मार्केट के एकदम हाई लेवल पे यहाँ पे टच करेगी और हम यहाँ पे इससे एकदम इजी रिवर्स कर देंगे। देख सकते हो रिजेक्शन मिल रही है, बायर अगेन यहाँ पे कम बैक कर गए हैं और इन्होंने एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना के फिर इन्होंने गैप डाउन कर दिया। ठीक, तो यहाँ से हम एक डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस कर देते हैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ, और ये कैंडल जो है हमारी एकदम इजी रेड बन जानी चाहिए। अब इसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा आप समझना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कैंडल का जो मोमेंटम है वो तो एकदम वीक हो ही चुका है। पीछे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, SNR है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़ा यहाँ पे वर्क कर सकता है। और राइट साइड में अगर आपको दिखाई देता है तो 200 का राउंड नंबर भी है जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। सो उसके बेस पे भी यहाँ पे कैंडल के अंदर एक डाउनवर्ड की ट्रेड आ सकती है। ठीक, मतलब ट्रेंड के अंदर एक रेड कैंडल आ सकती है। बट यहाँ पे देख सकते हो अगेन यहाँ पे जो बायर का ये है, ये लास्ट एफर्ट बोलो या फिर आप इसको OTC प्ले भी समझ सकते हो। OTC प्ले में मैं बार बार इसलिए यूज करता हूँ कि बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे OTC जानबूझ के करते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि भाई ये सब फेक कैंडल होती है। यहाँ पे रियल भी होता है बट फेक कैंडल भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने फेक कैंडल क्रिएट कर दिया। अब अगेन यहाँ पे हमें $2 का डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस करनी होगी हमारी MTG के लिए। ठीक, तो हम MTG अमाउंट इंक्रीज नहीं करेंगे, बस $2 प्लेस करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा रीजन होता है, कहीं पे भी अगर वीकनेस देखने को मिल जाती है, वीकनेस के बाद अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है वो कि एक होता है हमारा लास्ट एफर्ट। तो इन्होंने एक लास्ट एफर्ट लगाया है और कैंडल जाके 300 के राउंड नंबर पे क्लोज हुई है, तो ये हमारी एक रेड कैंडल बननी चाहिए। डोजी बन जाती है तो हम उसको अलग कंसिडर कर लेंगे भाई, 50-50 का सीन, बट यहाँ पे हमारी ये कैंडल रेड होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे फाइनली 2 सेकंड बाकी है और ये देख सकते हो हमारा जो ट्रेड है वो हमारा 100% एक विनिंग ट्रेड है। अब आप बोलोगे भाई हमारा ट्रेड तो जो अमाउंट है या फिर सॉरी हमारा लाइव कैपिटल जो है वो तो इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए आपको बोला जाता है कि अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई आपको जो एक्यूरेसी है वो आपका एक्यूरेसी 80-90% होना चाहिए, या फिर आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जहाँ पे OTC प्ले करे, जहाँ पे फेक कैंडल आती है उसके बाद आपको ट्रेड लेना होता है। जैसा कि मुझे पता है एक भाई यहाँ पे फेक कैंडल आ सकती है, बट फिर भी मैंने वीडियो के दौरान यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया है ताकि आप लोग को देखने को मिले, इसलिए हम बोलते हैं भाई आपको MTG यूज करना
करना चाहिए। बट MTG यूज करने का एक तरीका होता है, जहाँ पे आपको लगता है भाई श्योर हूँ वहाँ पे MTG यूज करो, बट बहुत से बंदे श्योर नहीं होते, बस वो टर्न के बीच में घुस जाते हैं और रिवर्स करने लग जाते हैं। मेरे से भी बहुत बार ऐसी गलतियाँ हुई भाई, मैं श्योर खुद नहीं रहता फिर भी मैं MTG डालते जाता हूँ, कैपिटल ब्लो हो जाता है। ठीक, तो ऐसे केसेस में आपको भाई हमेशा अवॉइड करना, जहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है वहाँ पे MTG ना लो। इस वीडियो से आपको ये जरूर पता चल गया होगा भाई MTG क्यों लेना चाहिए। मैंने आपके सामने यहाँ पे दो ट्रेड लिए जो कि दोनों के दोनों हमारे श्योर ट्रेड थे, फिर भी यहाँ पे हमें जो हमारा कैपिटल है वो इंक्रीज नहीं हुआ। आप ऐसे दिन भर ट्रेड करते रहोगे आपका कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा, आप 4-5 घंटे ट्रेड करोगे आपको सिर्फ $1-2 ही प्रॉफिट होगा। सबसे बढ़िया भाई आप थोड़ा रिस्क ले लो, आपका रिवार्ड भी मिल जाएगा। अब रिस्क थोड़ा का मतलब बस यही होता है भाई आप एक लॉस करते हो तो अगले में आपको अमाउंट जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर देना, ताकि आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। थोड़ा तो इंक्रीज करो, 2 है तो 3 कर दो, ताकि आपका कुछ डॉलर आप प्रॉफिट में आ सको। इस वीडियो के अंदर हमने MTG बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया, नहीं तो हमारे दोनों ट्रेड ग्रीन होते और हमें ऑलमोस्ट $5 की प्रॉफिट हो जाती। बाकी आप कल का रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लॉस कुछ प्रॉफिट, मतलब बहुत गंदा मार्केट गया था कल का, हमने थोड़ा ओवर ट्रेडिंग कर दी थी, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर दी थी। और आप देख सकते हो मेरा लाइव कैपिटल फिलहाल के लिए भी लॉस में चल रहा है, ऑलमोस्ट $30 लॉस में हो। तो चाहो तो मैं हैवी रिस्क लेके यहाँ पे मैं मतलब अपना कैपिटल जो है वो अगेन इंक्रीज कर सकता हूँ, बट रिस्क जितना आपका होगा भाई उतना जल्दी कैपिटल उड़ेगा और रिवार्ड भी उतना ही मिलता है। तो आपके ऊपर है आप रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करते हो। सो मैं आपको बोलूँगा छोटे रिस्क लो, छोटा प्रॉफिट करो, ज़्यादा बेटर होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना था कि आपको MTG लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ। ख्याल रखना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का, टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे।